देखो, ये जो आज का आर्टिकल है वो लाइव मिंट का आर्टिकल है और बहुत डिफरेंट है थोड़ा सा आर्टिकल, इसलिए मैंने इसको उठाया है। आर्टिकल ये कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी ना बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो रहा है, तो आप लोगों को पता ही है, कोई नई बात नहीं है। और इसी में इन्होंने एक टर्म यूज किया है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन आप लोगों को पता होगा, इकोनॉमिक्स का टर्म है। इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स ही स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री के बाद। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टैगनेंट है, इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी बढ़ रहा है। ये तीनों कंडीशन जहां पे भी एग्जिस्ट करती हैं उसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, इकोनॉमिक्स का टर्म है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टैग मतलब स्टैगनेंट रखो और फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन भी याद है तो, और अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप से ऐड कर देना। तो एक ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ जो एकदम स्टॉप हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसको उसके आगे नहीं जा रहा हो, इकोनॉमी आपकी स्टैगनेंट हो गई हो और इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा हो, महंगाई बढ़ते जा रही हो और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते जा रहा हो, उसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब इसने तीन मॉडल की बात किया है कि तीन मॉडल हमारी कंट्री फॉलो कर रही है और तीन मॉडल में कौन सा अच्छा मॉडल है वो लास्ट में राइटर बता देगा। पहला मॉडल इन्होंने बिहार मॉडल की बात की, दूसरा इन्होंने गुजरात किया मॉडल का बात किया, और तीसरा तमिलनाडु मॉडल की बात की है। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है और किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में राइटर ने बताया है। बिहार मॉडल में इन्होंने बोला है कुछ स्टेट्स आते हैं जिसमें यूपी हो गया, जिसमें झारखंड हो गया, जिसमें आसाम हो गया, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न बाकी स्टेट भी हो गए। तो इनको इन्होंने ये बोला है कि ये लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स हैं। लीस्ट डेवलप्ड स्टेट का मतलब कि इनका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, नेशनल एवरेज इनकम जो है वो भी काफी कम है, इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत पुअर है, और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस कुछ भी नहीं है। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस का मतलब क्या हुआ? देखो, फॉरवर्ड लिंकेजेस का मतलब तो ये होता है कि इंडस्ट्री में कोई सामान पहुंचा और उसके बाद वो कस्टमर के हाथ में चला गया, जिस तरीके से जा रहा है, जिस चेन के थ्रू जा रहा है, उसको हम फॉरवर्ड लिंकेजेस कहते हैं। बैकवर्ड लिंकेजेस किस क्या होता है कि किसान ने अपने खेत में कोई सामान उगाया और उसको इंडस्ट्री तक पहुंचा रहा है, वो पूरे सप्लाई चेन को हम बैकवर्ड लिंकेजेस कहते हैं। तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी बहुत खराब है। ह्यूमन इंडिकेटर मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर और सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर दोनों ही खराब ऐसे 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 स्टेट्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर और सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर दोनों खराब है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर मतलब आप समझ रहे होंगे, जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, ये सब खराब है। और सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो खैर आपका हेल्थ में भी आ जाएगा। सोशल सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर का मतलब कि इक्वालिटी की बात करें, जस्टिस की बात करें, तो ये सब भी चीजें बिहार जैसे स्टेट में, और बाकी करप्शन की बात करें, ये सब बहुत बहुत कम है। पॉपुलेशन की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और जो नॉन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है वो भी बेचारे बहुत कम पैसे पे एमएसएमई टाइप के जगह पे काम करते रहते हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखा जाए तो ये सब जो स्टेट का नाम मैंने लिया है ये बहुत कम रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 59% का हेल्प करता है और ये लोग 41% अपने से जनरेट करते हैं, लेकिन नेशनल एवरेज यदि हम देखा जाए तो 36% सेंटर देती है और बाकी 64% जो बचता है वो स्टेट खुद ही अर्न करता है। लेकिन ये जो बिहार मॉडल है इसमें काफी कहानी उल्टी है, इसमें 59% जो है वो सेंटर देता है, 41% ये लोग खुद से ही मतलब निकालते हैं। तो इसके लिए राइटर ये बताते हैं कि सजेशन ये बताते हैं कि इनको कॉपरेटिव फेडरलिज्म के तहत काम करना पड़ेगा। कॉपरेटिव फेडरलिज्म की सेंटर जो कॉपरेट कर रहा है, जैसे अभी आप लोगों को बताया कि 59% सेंटर देता है, 41% वो खुद करते हैं, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? करप्शन में वो चला जाता है, तो उसका स्ट्रेटेजिक यूज होना पड़ेगा तभी जाके ठीक ठाक हो पाएगा। दूसरा, इन्होंने गुजरात मॉडल की बात की है। गुजरात मॉडल की पर कैपिटा इनकम इन्होंने बोला है कि बिहार से 6 गुना ज्यादा है, 6 टाइम्स ज्यादा है गुजरात मॉडल में। और इस गुजरात मॉडल में गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना जैसे स्टेट आते हैं, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि बिहार से पर कैपिटा इनकम इन लोगों का 6 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन एक ड्रॉबैक इन्होंने बोला है कि बहुत बड़ा वर्कफोर्स जो है ना वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ऐसे जगह पे। हालांकि इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री में इनका शेयर है 44%, मतलब जीडीपी में 44% यहाँ की इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। और यहाँ पे इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट इसलिए करती है कि केमिकल, फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज, ये सब काफी अच्छा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, चाहे गुजरात की बात करिए, तेलंगाना की बात करिए, हरियाणा की बात करिए। दिक्कत कहाँ पे है यहाँ पे कि इन लोगों को एजुकेशन और हेल्थ आउटकम में काफी दिक्कत है। मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो खूब पैसा खर्च करते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर की बात की जाए वहां पे लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु मॉडल में दिल्ली आता है, महाराष्ट्र आता है और केरला आता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है और 30% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। सेंटर पे ये स्टेट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है अपने रेवेन्यू के लिए, जितने बिहार और गुजरात के लोग डिपेंडेंट है। गुजरात के तो कम है, बिहार मॉडल में ज्यादा है। तो राइटर ये बताते हैं कि गुजरात मॉडल को तमिलनाडु मॉडल से सीखना चाहिए और बिहार मॉडल को तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, उसको इमिडिएटली तमिलनाडु मॉडल पे स्विच करना चाहिए, तभी जाके वो बिहार मॉडल में जितने स्टेट हैं उनका डेवलपमेंट हो सकेगा। यही आर्टिकल है।